जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई में देर रात एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी व स्थानीय नागरिकों के द्वारा पूरे मामले की शिकायत जबलपुर फायर ब्रिगेड को की गई। टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। 8 गाड़ियां नगर निगम जबलपुर की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग देखते ही देखते भयानक लग गई, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग की कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही कारणों का खुलासा होगा। वहीं पूरे मामले में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि आग लगने का कारण जानने के बाद क्षति की जानकारी मिल पाएगी। भैया बता कहाँ आग लगी है? खबर आई कॉल हुआ कि रिछाई में बहुत भयंकर आग लगी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में। तब हम लोग तत्काल गाड़ियाँ निकाले, जो एक गाड़ी उस तरफी गेट से काम कर रही है और दो गाड़ी अभी यहाँ काम कर रही थी, चौथी गाड़ी आ गई अपनी और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रही। अब कंट्रोल में है और कुछ गैस सिलेंडर वगैरह भी लगी। हाँ, सिलेंडर वगैरह दो सिलेंडर बस्ट हो गए हैं, बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी, पब्लिक यहाँ की दहली भागी इधर से। कुछ पता चला कैसे आग लगी इसमें? नहीं नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है और ना इन फैक्ट्री मालिक अभी मिल पाए हैं। आपका नाम? पद? अकील अहमद, फायरमैन। हाँ।